सामने में कोई संकोच नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं। वो भी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, इनकम टैक्स में जाता है, सेना में जाता है, दरोगा बनता है, बड़ा बड़ा उद्योगपति है, लेकिन उसको शर्म नहीं है अपने चीजों को मानने में। आप क्या हो? हिंदू। चलिए दूसरे क्षेत्र में चलिए, तो मुस्लिम की बात नहीं, सिख। आपसे किस क्षेत्र में कमजोर है भाई? खाने में कमजोर है, पहनने में कमजोर है, या आपसे उसको जमीन जायदाद कम है, उसको ऐठने नहीं आता है, उसको तो और ऐठने आता है, तलवार लेके चलता है, उसको अपने धर्म मानने में कोई संकोच नहीं है। उसका यूथ जो जन्म लेता है थोड़ा सा बड़ा होता है, मुरेठा बांधना शुरू कर देता है, उसको यह शर्म नहीं लगता कि हम कटोरा छाप पाल लेके घूमे, उसको शर्म नहीं लगता। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उसका झंडा गड़ा हुआ है। आप क्या हो? हम मंदिर नहीं जाते हैं, क्या भाई हम बाबा थोड़े हैं, तो क्या वो होता? सिख समुदाय दरोगा बनता है कि नहीं बनता? सिख एसपी बनता है कि नहीं बनता? सिख सेना में जाता है कि नहीं जाता? सिख को बैंक में नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है? उसको तो नहीं मिलना चाहिए, तभी मानता है, पागल है, अंधविश्वास है, तभी मानना, तभी मानने से नहीं भगवान मिले उसको। तो आपकी तरह होशियार होना चाहिए, आप इतने होशियार हैं और हम बढ़ रहे हैं। विचार करिएगा कि आखिर क्या कारण है कि संसार का हर धर्म अपने धर्म को मानता है, अपनाता है और उसके उस संस्कृति के बल पर दुनिया में आगे बढ़ता है। एक हम ही ऐसे हैं जिसको विज्ञान समझाइए, ज्ञान समझाइए, तर्क समझाइए, चना चूर गर्द खिलाइए, चाय खिलाइए, डमरू सब नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जानते हैं, खड़ा करके पूछ रहे कहा है तुम्हारा औकात होगा, औकात क्या भौतिक औकात, इस बिना जमीन के मालिक। अच्छा अकेले चाचा चार भाई, देखो तीन को बेटा है, वो पितु को बेटा है, वो चार को बेटा, पर हिस्सा करना पड़ लो फिर भी हलो चलेगा पता नहीं, और कहा तो भी नहीं, क्योंकि ना जाने का है हिट रहा है, उसके हटने का कारण क्या है, घर का खपड़ा फूटा हुआ हिंच के चल रहा है, हम तो कभी कभी परेशान हो जाते कि कुछ रहे तो ऐठे तो मान ले कि हमारा बाप बाप बड़का बाप की बेटा है, कुछ नहीं। धर्म का अर्थ बताइए, मंदिर जाने का मतलब समझाइए, और तो आपसे बढ़िया वो मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाई, आपसे बढ़िया हमारा वो सिख है, भारत का प्रधानमंत्री भी है सिख बना, पूरी दुनिया में पगड़ी बांध के घूम गए, उनको तो लाज नहीं लगा, उनको शर्म नहीं लगा, आप उनसे भी ऊपर हो, आपका पहचान कुछ नहीं है। अभी देखो लौट के छोटा चौकी पर सुत रहे, रात को जो बर्तन खाए चौकी के नीचे ढुका, यही औकात है। आप जंगल लग जा कर इच्छा लग जाते जा, ये बे औकात के जो लोग होते हैं जिनके पास कोई औकात नहीं होता, वो उल्टा उल्टी बात करते हैं, वो समझ लो ये बे औकात का आदमी है, इसका सृष्टि में कोई गुजारा होने वाला नहीं। मैं कहता हूं जिसके अंदर अपने चीजों से प्यार न हो, अपनी संस्कृति से प्यार न हो, वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो युवा हो ही नहीं सकता। युवा इसी देश में हुए,
मैं ये बात कह रहा हूं, हम अपनी चीजों को समझें, हमारी चीज हमें दुनिया के बड़े बड़े मुकाम हासिल कराने में सक्षम है। हम जहां खड़े हो जाए हमारी चमक ऐसी होनी चाहिए। तो कह दे कि क्या करते हो साहब, आपकी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए जब कहीं खड़े होकर अपनी बात आप कह सको, लोग सुनने को मजबूर हो जाए। आज का युवा न जाने निकाले हुए आम के रस के समान। कभी कभी हम लोग बचपन में जब आम चूसते थे, आप भी चूसे हो, क्या करते थे उसको चूस के फिर बुला दे और किसी को बेवकूफ बनाने का जब मन करता लो खा। क्या आपकी हालत वैसी नहीं हो गई? चूसे हुए नौजवान, अरे टीका क्यों लगाना चाहिए, इसका विज्ञान क्या है? अरे समझा भी दीजिए, बता भी दीजिए, फिर भी नहीं करता। हाथ उठा दिया, हम हिंदू है, बड़ा ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अभी वर्तमान में जो ट्रंप साहब है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म को मानते, यहां क्रॉस लटका के चलने में उन्हें कोई शर्म नहीं लगता। उसका विज्ञान समझा दे हमको ट्रंप साहब, ये जो लटकाए हैं गला में क्रॉस ईसा मसीह वाला, इसका साइंस क्या है? उनको चर्च जाने में कोई शर्म नहीं लगता, उनको प्रेयर करने में कोई शर्म नहीं लगता। दुनिया का सबसे गया गुजरा सड़ा हुआ माल हिंदू धर्म में आ गया है, यही पतन का मूल कारण है। और हमारे जब अपनी संस्कृति से लोगों का प्यार समाप्त हो जाता है तो उसके पतन होने से संसार में उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समझिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया ये मेरा सौभाग्य है। स्वामी विवेकानंद इस बात को, भारत का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं, एक बार नवरात्रा के समय चले गए थे, चैत नवरात्रा या अश्विन नवरात्रा, दोनों नवरात्रा भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, चले गए अमेरिका। उस समय ओबामा साहब वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे और मिशेल ओबामा उनकी पत्नी, पूरा भोजन का व्यवस्था था, बहुत सारे डेलीगेट साथ में गए थे प्रधानमंत्री, एक से एक डिश बना था इंडियन डिश। हम आप बोलते तो क्या करते, छोड़ा ना एक बार मजा ले लो अमेरिका आया है। हमारा औकात ही क्या, यही औकात जींस पहन लेने से, आप गेट को इतना निकाल लेने से औकात बनता है। मैं बार बार कहता हूं औकात बाहर नहीं होता, औकात बाहर का डमरू छाप होगा, खदीजा छाप होगा, जींस छाप होगा। और वहां आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भोजन नहीं करता, मैं तो नींबू पानी पीता हूं। ओबामा ने पूछा कि नौ दिन नींबू पानी? हाँ यहां तो एक टाइम भोजन न खाए तो कौन सा विज्ञान है इसके पास, कौन सा तकनीक है इसके पास? नौ नौ दिन नींबू पानी बोला जा रहा है, वो भी भाग सब काम करते हुए। आपको तो कहा जाएगा नहीं भैया, तुम से नहीं निकल रहे अनुष्ठान में, भैया पूजा कर रहे हो, मौन रही हो, मौन रहे, मौन मौने रहने जीवन, माफ करना।
आप तो बड़े अच्छे हो, मुंह नानी अच्छा थे, चेहरे चमक रहा है, वाह, अब ये सबूत क्या लाया है, सबूत क्या है, चलो बहुत बढ़िया, नौकरी चल, नौकरी कहीं के अल्लाह देता दाता, ये वो नौकरी देता दाता, ये दाता दरोगा बनाता दाता नौजवान कल छिल लिए चमका लिए तो नौजवान मत छिल लिए तो नौजवान चल आप लोग अच्छे आपको नहीं कहते तुम बाहर को कहते हम तो लोग पूछता है आप युवा को कैसे मोटिवेट करते हो हमको हमको नहीं आता है हम तो उसको धोते हैं चल तो मैं ये कह रहा था 9 दिन तक नींबू पानी लोग रहेगा वहीं पर ओबामा ने पूछा इसका उपाय क्या है कैसे करते हो उन्होंने कहा भारत के योग में इतनी ताकत है मोदी जी ने इस योग को अगर कोई व्यक्ति नियमित करता है मेडिटेशन नियमित करता है तो ध्यान करने से जितना खाने से ऊर्जा मिलता है उतना ही ऊर्जा कई गुना क्या करने से मिलता है ध्यान करने से पहले आपके देश के ऋषि महर्षि कई कई दिन तक ध्यान में रहते भूखे कैसे रहते थे स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में 3 दिन लगातार 3 दिन 3 रात आज भी वो जगह है आप जाकर देख लेना बीच समुद्र में जहां वो 3 दिन 3 रात बैठ के ध्यान करते थे इससे हानि है क्या नहीं जीवन के समस्त सुख सुविधा साधन उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है समस्त सुख सुविधा साधन उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान सब पीछे चलता है उसके अंदर मैग्नेट आ जाता है चुंबक आ जाता है यही अध्यात्म का भारतवर्ष का जिसको पूरी दुनिया ने कभी स्वीकार किया पूरे विश्व के लोग भारत को जगत गुरु कहते थे गुरु मतलब आजकल तो गुरु कम गुरु घंटा ज्यादा हो गए सब लोग गुरुवे कहलाता गुरु नाच पढ़ाने वाला गुरु फिजिक्स पढ़ाने वाला गुरु गुरु घंटाल है माफ करिएगा गुरु तो वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए गुरु वो होता है भारत में गुरुकुल होता था और उस गुरुकुल में पाए हुए शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग पूरे विश्व में एक चमक पैदा करते थे एक लाइट पैदा करते और भारत में कौन फसल लगेगा भारत में अगर आप चाहोगे भी जो पश्चिम वाला फसल को जाने मजा लेने वाला पश्चिम में बड़ा मजा बोली अमेरिका में तो सुनते हैं मजे मजा तो भारत में वो मजा लेने वाला फसल नहीं उगेगा क्योंकि भारत की जो भूमि है वो संस्कारवानों की भूमि है अगर उल्टा पुल्टा बीज यहां लगाने का कोशिश करिएगा तो रिएक्शन पैदा होगा रिएक्शन पैदा हो लगा के देख ली अब ये आपके देश में एक नौजवान ने उल्टा पुल्टा बीज लगाया बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी क्या हुआ कभी से चैट एक साथ करता कभी वो सिग्नल दबाया कभी वो सिग्नल दबाया कभी वो सिग्नल भारत में पीस तभी रहेगा जब आप अध्यात्म से अध्यात्म का मतलब क्या होता है खूब पूजा करना मंदिर में भीड़ जुटा देना भोला को रगड़ देना हो देंगे आज भोला भोले को धोएगा अपने को नहीं धोएगा भोला को धोएंगे अब रगड़ो तभी आप देवघर गए होंगे वहां रगड़ते रगड़ते क्या किया इतना लाखों लाख भोला बाबा जीत गए बाद में ऊपर से फिर लगाया गया
भगवान को यहां घिस दिया था। ये सारा चीज हमने समाप्त कर दिया। जिस विज्ञान के बल पर हमारी क्षमता बढ़ती थी, हमारी कैपेसिटी बढ़ती थी, वो सब समाप्त हो गया। इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिलता है, वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। उदाहरण है आपके सामने, एक गायत्री का साधन महामंत्र गायत्री ऋग्वेद। जिस गायत्री को राम ने जपा, जिस गायत्री को भगवान कृष्ण ने जपा, जिस गायत्री को रविंद्रनाथ टैगोर ने जपा, जिस गायत्री को मदन मोहन मालवीय ने जपा, जिस गायत्री को स्वामी विवेकानंद ने जपा, जिस गायत्री को रामकृष्ण परमहंस ने जपा, वो कोई सामान्य मंत्र नहीं हो सकता। जिस गायत्री को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप न करता तो मैं कभी पागल हो जाता, ये महात्मा गांधी ने कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जवानी में नारा दिया था, बुढ़ापा में नहीं, आप तो बूढ़े हो। उस बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि अगर भारत की सोई हुई दासता को जगाना है तो गायत्री को खड़क पहुंचा दो, जैसे ही गायत्री जपेगा उसी सोई हुई जवानी जग जाएगी, और जब जवानी जगती है, जब जवानी जगती है तो पीछे पलट के नहीं देखती, वो सिर्फ और सिर्फ आगे देखती है और अपने मंजिल को प्राप्त करती है। यही गायत्री है। रविंद्रनाथ टैगोर आप कौन हैं? अल्लाह ठाकुर, अल्लाह महतो, बैगन के खेती कर झाजी हैं, झाजी आजी आप दरोगा वाला काम
करेगा, आपकी अब एस एस सी बना कर करेगा, आपकी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर आउट हो गया बना करेगा, ये बड़ा है मामला तब ना सब लोग बोलता है आपको क्यों उपाय क्या है? उपाय है पहले आप नौजवान बनिए, आपका तेजस बढ़े, माफ कर दे। मैंने कहा मदन मोहन मालवीय ने संकल्प लिया मुझे क्या बनाना है, गायत्री का चमत्कार दीजिए, एक पैसा नहीं, रुपया पॉकेट में कुछ नहीं, गायत्री का चमत्कार, लोगों से मांगना शुरू किए, लोग देना शुरू किया, फिर भी घट गया, चले गए कहां, हैदराबाद का निजाम, उस समय वो हीरे मोती जवाहरा, हैदराबाद मुस्लिम हिंदू नहीं, कौन, हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे, लोग लाइन में लगा हुआ था, सब मांग रहा था कुछ कुछ, ये भी लाइन में लग गए, तेजस चेहरा पर तेज बोल रहा आपका आपसे कम दिखता है भैया छोड़ियो करेगा तो कैसे करेगा, अभी आप चलिए लगे रहिए, माए बाप तो बोले हम तो अपना है पटना में, वीडियो तो देखबे न कर रहे, कोई देखो करे तो घुमा दे उन्हें, आप अपने लिए स्वयं गठा खन रहे हैं, उसमें आप ही गिरेंगे दूसरा नहीं गिरेगा, नोट कर लीजिए भविष्यवाणी कर रहे। मदन मोहन मालवीय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे, सब मांग रहा था, ये भी मांगे पूछे किस चीज के लिए क्या करोगे, इन्होंने कहा मैं हिंदू बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं, वो निजाम कट्टर मुसलमान, वो कट्टर मुसलमान हिंदू का नाम सुन के ही भड़क गए, हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया, जूता पहनता था निजाम जूता, उसमें हीरे मोती सब लगे रहते थे, जवाहरा बहुत महंगा था, मजाक उड़ाने के लिए मदन मोहन मालवीय का ऐसे अपना एक पैर आगे कर दिया, ये जूता ले लो, मजाक उड़ाने के लिए मदन मोहन मालवीय ने जूता ले लिया। देखिए गायत्री कैसे सकारात्मक, आपको कोई जूता दे क्या कहता हूं इज्जत कर दो, इज्जत बात इज्जत है ये नहीं, आपका उठाने का रहे कम रहे पर होता है अरे नहीं हो क्या होता है इधर मुतातुओं के पर होता आता है, कोई पुरवाके होगा तो होता है कोई ठाम में ठीक नहीं डाले पैर आगे बढ़ा दिया जूता ले लिया चले आए बनारस, और जहां निर्माण कार्य चल रहा था वहां जूता टंगवा दिए, जो आजकल मकान बनाता है तो जूता तो बहुत ढंग देता है वही जूता पहन दिए और पूरा घोषणा करवा दिए, देखिए ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपना जूता तक दान कर दिया है। गायत्री के साधक थे, आपको सामान्य जगह पर नहीं बैठाया गया, ये जो बैठे हैं ये सामान्य जगह नहीं है, ये एनर्जेटिक जगह है, ऊर्जावान जगह है, जवानी को चराने की जगह है, हम मुर्दों में भी प्राण फूटा जाता है, जो मुर्दे हैं लाओ पानी लाओ से लगातार आ रहे हैं भैया हम अल्लाह बुझोलो हो थोड़ा थोड़ा और हो आवत का उच्चका चोर का आप तो बहुत अच्छे लोग मन गदगदा जाता है देख के गायत्री का प्रभाव देख गायत्री का प्रभाव देख हैं देखिए हम गायत्री करते
कहीं करिएगा कि मनीष जी रहते हैं जिसने नहीं देखा, कल्पना करेगा कैसे है, नजदीक आएगा साधारण लगे परमाणु पाव है परमाणु पाव